हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उसी की रसोई एंड आर्ट। तो मैं आज साबूदाना का पोहा बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, मैं इसको एक कटोरी साबूदाना ली हूँ जो कि साबूत है, इसको अभी भिगाई वगैरह नहीं हूँ, एक कटोरी ली हूँ। अब इसको हम भिगाने के लिए एक बाउल में डाल लेंगे। देखिए इस तरीके से डालना है, और मैं इस कटोरी से एक कटोरी ली हूँ, ये करीब 200 ग्राम होगा। तो आप इसको भिगाने के लिए एक बाउल में डाल दें। अब इसको इसमें हम पानी डालेंगे और इसको अच्छे से धुल लेंगे। इसको जितना बार धुलेंगे उतना ही अच्छा होगा, कम से कम 4-5 बार इसको हम अच्छे साफ़ पानी से धुल लेंगे। देखिए इस तरीके से हम थोड़ा मसलते हुए धुलेंगे, ये भीगा हुआ नहीं है अभी इसलिए मसलाएगा नहीं, तो इसलिए आप अच्छे से मसल करके इसको धुल ले। और इसके जो वाइट वाला पानी दिख रहा है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको बार बार धुलेंगे, कम से कम 3-4 बार इसको हम धुल लेंगे। आप भी साबूदाना का पोहा या फिर साबूदाना का खिचड़ी ज़रूर बनाएं। देखिए इस तरीके से मैं धुल ली हूँ, और थोड़ा सा नीचे में पानी बचा हुआ है जो कि उसको मैं फेंकूँगी नहीं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, कम से कम आधा गिलास से भी कम, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी नीचे में रह गया है, इसलिए अब भिगाने के लिए हम बहुत ही थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। अब इसको हम 1 घंटे के लिए ढक करके रख देंगे, तो ये ऑटोमेटिक फुल करके रेडी हो जाएगा, इसको बाद में धुलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप भी साबूदाना का पोहा बना करके ज़रूर खाएं, ये स्वाद में बहुत ही अच्छा होता है, तो आप ज़रूर बनाएं। तो इस तरीके से हम 1 घंटे के लिए रख देंगे इसको ढक करके। देखिए मैं कैसे रख रही हूँ, इस तरीके से आप भी रख दें। अब 1 घंटा हो चुका है, इसको खोल लेंगे। देखिए किस तरीके से साबूदाना भीग चुका है, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा दाना हो गया है। और इसमें मज़े की बात यह है कि देखिए ये अलग अलग हो गया है, पूरा साबूदाना अलग अलग हो चुका है। तो इसमें अगर हम पानी की क्वांटिटी सही से डालेंगे तो ये साबूदाना अलग अलग ही होता है। आप मैं डाली उस तरीके से मेजर करके आप साबूदाना में पानी डाल करके भिगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना अलग अलग दिख रहा है। तो इस तरीके से आप साबूदाना का पोहा तैयार कर सकते हैं, आप भी ज़रूर बना करके खाएं, या फिर इसको उपवास व्रत वगैरह में भी इसको बना करके खा सकते हैं, व्रत के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले साबूदाना लिए हैं जो कि मैं बता चुकी हूँ, फल्ली दाना लिए हैं, थोड़ा सा फल्ली दाना ली हूँ, देख सकते हैं क्वांटिटी में कितना है, इतना मैं फल्ली दाना ली हूँ। इसके बाद हम 2 आलू लिए हुए हैं जो कि मैं उबाल करके रख चुकी हूँ। आप बिना उबला वाला आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं उबाल करके रख चुकी हूँ। 2 टमाटर ले रहे हैं, इसको मैं काट लूँगी बाद में। इसके बाद हरी मिर्च और थोड़ा सा इसमें कढ़ी का पत्ता लेंगे, कढ़ी का पत्ता हमारे साबूदाने के पोहा का स्वाद बढ़ा देता है। ये 1 नींबू का रस है जो कि मैं उसका रस निकाल करके रख चुकी हूँ। अब इसमें हम धनिया लेंगे, धनिया देख सकते हैं लास्ट में हम डालेंगे इसको, ये बहुत अच्छा स्वाद लाता है और ये सुगंध भी फैलाता है। इसके बाद हम आगे, देखिए मैं सबको काट करके रख चुकी हूँ, आप भी काट ले। इसके बाद हम गैस में कढ़ाई चढ़ा लेंगे, इस तरीके से आप कढ़ाई भी बना सकते हैं या फिर पैन में भी बना सकते हैं। अब इसमें मैं 2 चम्मच घी डाली हूँ, आप घी का इस्तेमाल करें क्योंकि घी से बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इसमें मैं फल्ली को भून करके निकाल लूँगी, सबसे पहले हम भून कर निकालेंगे, इसको साथ में नहीं डालेंगे। अगर आपको फल्ली पसंद है तो इसको डालें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। इसको हम ज़्यादा रेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन होते तक भूनेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से डाल रही हूँ, वैसे ही आप आराम से डालें और इसको
कम आंच में भून लें। हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे क्योंकि फल्ली बहुत जल्दी जलने लग जाती है, इसलिए हम गैस को कम ताव में ही रख करके भूनेंगे। देखिए इस तरीके से हम भून लेंगे। इसको उपवास में बना करके खा सकते हैं या फिर हमें कुछ चटपटा खाने का मन है तो गैस इसको बना करके आप ज़रूर खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत चटपटी रहती है। देखिए अब हमारा फल्ली ब्राउन हो चुका है, अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से ब्राउन करना है, इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे नहीं तो फल्ली कड़वा लगने लग जाएगा। देखिए मैं कितना भूनी हूँ, इस तरीके से आप भी भूनें। सॉरी गाइस, मैं कढ़ी पत्ता डाली तब रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो आप सबसे पहले कढ़ी पत्ता डालें उसके बाद ही इसमें टमाटर डालें। अब टमाटर को हम बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा ही भूनेंगे क्योंकि ज़्यादा मैश हो जाता है तो इसमें अच्छा नहीं लगता, तो इसको इस तरीके से हम थोड़ा सा ही भूनेंगे। देखिए ये ज़्यादा मैश नहीं हुआ है, आप भी इस तरीके से भूनें। इसके बाद हम इसमें कटी हुई आलू डालेंगे, ये उबला हुआ है इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। अगर आप नॉर्मल आलू लेते हैं तो इसको अच्छे से पकने दें, मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि अगर ज़्यादा पकाऊंगी तो आलू पिघल जाएगा। तो ये ऑलरेडी पक गया है तो इसको हम थोड़ा सा ही भूनेंगे। आप अगर नॉर्मल आलू लेते हैं तो इसको अच्छे से पका लें। देखिए इस तरीके से मैं भून ली हूँ, आप देख सकते हैं मैं कैसे भूनी हूँ, वैसे ही आप भी भूनें और अपना। अब इसमें हम साबूदाना को डाल लेंगे, देखिए कितना अलग अलग लग रहा है। आप भी ऐसे ही तैयार करें जिस तरीके से मैं बनाई हुई हूँ। अब इसको हम धीरे धीरे साबूदाना को इसमें डाल लेंगे, इस तरीके से डालना है, आप देख सकते हैं कितना अलग अलग है। अब इसमें हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे, मैं आधा चम्मच नमक ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालें। देखिए इस तरीके से डालना है नमक। अब इसको हम अच्छे से चम्मच चला लेंगे, आप भी तुरंत इसको चम्मच चलाएं नहीं तो ये चिपकने लगता है, डालते ही हम इसको चम्मच चलाएंगे। देखिए अभी से देखने में कितना अच्छा लग रहा है तो बनने के बाद कितना लाजवाब लगेगा, आप भी ज़रूर बना करके खाएं। अब इसके बाद हम अपना सीक्रेट तरीका अपनाते हैं, नींबू का रस को डालेंगे। नींबू के रस को डालने से ये चिपकता नहीं है और अलग अलग बनता है और टेस्ट भी अच्छा आता है, तो आप भी नींबू का रस ज़रूर डालें। इस तरीके से चम्मच चला लें, आराम से इसको चम्मच चलाना है, जैसे मैं चला रही हूँ आप भी वैसे ही इसको चम्मच चलाते रहें। इसके बाद हम लास्ट में बनने के बाद अब फल्ली दाना को डाल लेंगे, ये ऑप्शनल है गाइस, इसको डालना चाहे तो डाल सकते हो या फिर स्किप कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा टेस्ट आता है इसलिए मैं इसको डालूँगी। अब इसके बाद हम धनिया का पत्ती डालेंगे जो कि मैं काट करके रख ली हूँ, इसको हम सबसे लास्ट में डालेंगे। देखिए मैं किस तरीके से इसको डाल रही हूँ, आप भी डालें और गैस का फ्लेम बंद कर दें। तो गाइस मेरी वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं मेरी साबूदाना की पोहा वाली रेसिपी कैसे लगी, और बना करके ज़रूर खाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, तो गाइस एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरीके से हम मिक्स करेंगे, आराम से करना है इसको। अब हम शब करने के लिए इसको हम बाहर निकाल लेंगे, देखिए कितना यम्मी दिख रहा है, देखने पर ही पता चल रहा है कि ये बहुत टेस्टी होगा। इसको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं, कितना सरल है गाइस। अब इसको हम एक कटोरी में बाहर निकाल लेंगे, आप इसको ध्यानपूर्वक बाहर निकालें, देखिए इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें गाइस, और कमेंट करके बताएं कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और आप ज़रूर एक बार बना करके ट्राई ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत यम्मी होता है। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, इसको उपवास में खाने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। देखिए ये किस तरीके से बना है, पूरा अलग अलग बना हुआ है, इस तरीके से आप बना करके उपवास के लिए आप इसको खा सकते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइज़।